व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। एक तो बहुत मेहरबानी आपका, शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं। और अभी अशार तो नहीं, आपको एक शायर का वाकया सुनाता हूँ आज। ख्वाजा हैदर यातिश बड़े नामवर शायर हो गुजरे, तो उनके एक शागिर्द जो थे वो अक्सर उनसे बेरोज़गारी की शिकायत भी करते और कहते कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। तो ख्वाजा साहब हमेशा अपने शागिर्द को यही कहते कि भाई दोस्त हैं, इकट्ठे रह रहे, आप इधर ही रहो, मेहनत मजदूरी करो, अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा। लेकिन वो दोस्त जो था वो इस बात पे बाज़िद था कि मैं कहीं और चला जाऊँगा। तो आखिर एक दिन वो तैयार हो के ख्वाजा साहब के पास आए और कहने लगे कि ख्वाजा साहब इजाज़त दे, मैं ना बनारस जा रहा हूँ रोज़गार के सिलसिले। तो ख्वाजा साहब को भी अंदाज़ा हो गया कि आज ये दोस्त है ज़रूर जाएंगे। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि फिर मेरा भी एक काम करना कि वहाँ का जो खुदा है उसको मेरा सलाम कहना। तो इस बात पर दोस्त बड़ा हैरान हुआ। तो उसने कहा ये क्या बात हुई ख्वाजा साहब कि वहाँ कोई और खुदा है और यहाँ कोई और खुदा है। ख्वाजा साहब ने कहा जब वहाँ और यहाँ खुदा एक है तो फिर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे मेहनत मजदूरी करो और हमारे साथ ही रहो। तो इस बात का उनके दोस्त पे बहुत असर हुआ, उन्होंने वहाँ जाने का इरादा भी तर्क कर दिया और वहीं पे फिर रोज़ी के लिए मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी।